एक पंडित जी रहे, उदाहरण बता दे, एक पंडित जी रहे, कथा सुनावे निकरे घर से। कथा होती है तीन तन की, बड़कैया, मझलकी और छोटकैया। यह सबसे बड़कैया कथा है। अगर बड़कैया कथा ना हो तो ये बलसिम के ख्या तब ना होते होते, रोड पर हो या कोई दुआरे हो या कोई कहेंगे नहीं मोही जात। बड़कैया कथा ख्यातम होते है और मझलकी कथा दुआरे होते है और सबसे छोटकैया कथा आंगन में होते है। यहाँ ध्यान दे लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यह सबसे बड़कैया कथा पंडित जी का, छोटकैया कथा मालूम रहे। वो का नाम है सत्यनारायण भगवान की, ये सत्यनारायण कथा। पंडित जी घर से निकले, अब लालच देखो सवार सहित मारा, तीन चार पाँच छः जी का कार्यक्रम लाग गा। पंडित जी हमरे घर में सुना दो सोमवार हो। पंडित जी सड़ा सड़ फटाफट कथा सुना हो लाग। रुपया दिन भरे में हो कमाल है 99 रुपया। तो जब गांव के बाहर निकले तो हिसाब किताब गांव के बाहरे लगाओ तो बंद बढ़िया एकांत में यहाँ। तो जो नेबिक बिरवा लागर है और एक आदमी एक रहा चोर, चोर बिरवा पर चढ़ा दतूरी तोरे दोपहर में। अभी पंडित जी गए तो देखे कत्ता माल काटे हैं, तो देखे मैं 99 रुपया ये कोई कम सौ माँ। तभी सोचे को जजमान भैया तो सौ की सीधी हो जाते, 99 हो गए हैं। तो अब सोच ली इनका धरे कहाँ। तो पहले के दादा लोग रुपया जाना तो कत्ते पोड़े धरत रहे, टैक्सी वैक्सी हो तो जय रुपये केरावन है तय रुपये निकलाओ ही बढ़ जाती डीजल में। अब के तो चाहे 20,000 रुपया हो सब जिनसे पेंट पछिए पड़े हैं खाटर निकाले लो सड़ा का काटो, ऐसा है कि नहीं। और पहले के दादा लंगोटी के भीतर लंगोटी, लंगोटी के भीतर लंगोटी, तक जिल्ली जिल्ली के भीतर जिल्ली, उसके भीतर पल्ली, घड़वा थक जाए लादे लादे जब अक्का पड़ते जब रुपया निकाल पाऊँ। तब डीजल गाड़ी नहीं रहे, अक्का गाड़ी रहे। अब पंडित जी सोचे सबकी नोट सीध हो जाए तो मजा आ जात। अब यू विचार कहके पंडित जी सोची सौकी सीधे कह के जाओ। तो एक गांव किनारे निकले, एक जजमान मिल गए और कहा लगा इस करो भैया पंडित जी हमका कथा सुना दो। पंडित जी कहा लग दक्षिणा तय हो जाए। कहा लग भैया दक्षिणा जो महाराज जी बताओ तो दे दे हम सोमवार दुने कथा मुख सुना दो। कहा लग एक रुपया परी। कहा लग चलो कोई बात नहीं एक रुपया दे। अब वो चोर सब दिया 99 रुपया कहाँ रखी, तो रखी कहाँ खोपड़ी में बड़ी बड़ी लागी रहे जटा। तो सोच रही है पगड़ी में बांधाओ तिमा धुआखा ना हो पावे। अब वो चोर देखे कि पंडित जी रुपया बांधने खोपड़ी में यहाँ उतर के यहाँ वहाँ चोर आगे मिला। कहला पंडित जी हमका कथा सुना दो। कहला कई रुपया कहने एक रुपया परी इसे कम्मा हो ही नहीं पाई। कहला चलो कोई बात नहीं गए कथा हो ला, कथा समाप्त हो गए। अब उका तो खाली ढंडस बनावा कर रहा कथा थोड़ा सुन कर रहा है, उका तो पंडित जी के रुपया छीन कर रहा है। 5 मिनट खातिन घर धिछाड़ी दुआरे बैठ पंडित जी आंगन में बैठ। पहले लौटिकावा तो कहा लाग पत्नी से ने कह देवी वही बक्सा में यहाँ देखो जो 99 रुपया रखे हैं और निकाल के यहाँ पंडित जी का 1 रुपया दे दो है। अभी पंडित जी सन नगन भी का मतलब का 99 हमारे खोपड़ी में बांधे 99 बकसियम बताओ थे। अब उनकी पत्नी गए तो हुआ बकसियम ढूंढिन ढाणिन लौट गए। कहा लगी पैसा वैसा वहाँ ही नहीं। तो कहा लग पैसा रखे रहे ओके पंडित जी तुम तो नहीं ले हो। अरे कहा लग भैया हम कहाँ करब हम इतनी जगह नहीं छाड़े ना हम तुम्हें घर में कहे जाब। कहा लग अच्छा ठीक है देखो जाए बकस का ऐसी वैसी तो नहीं धरे। और द्याख है सब खोपड़िया मान वो द्याख है जाने सब। फिर पत्नी गई खोड़ भोड़ बने लेकिन फिर नहीं मिले। तो कहला पंडित जी 99 रुपया रहे और वही 13 सिक्का दो दू के रहे। अब याग वहां सुन लो पंडित जी झारा दे दो अगर 99 हुए हैं तो हमारा है और 100 हो और 98 हो तो तुम्हारा है। पंडित जी कहा लग ना 99 ना अभी सोचे कि झुरिया देखे हैं ज्यादा में ज्यादा कुर्ता झरे हैं खोपड़ी झरबो नहीं करे अभी की निगाह खोपड़िया पर कहीं झुरिया फेंक दे। कहा लग भैया हमारा झुरिया देख लो पत्थरा देख लो झुरिया झूठ मूठ पत्थरा ढूंढे
अब उनकी निगाह में कि हुआ गड़बड़ाई जाए, ऐसी वैसी ढूंढी ढाँढी कुर्ता देखे ताकि अब कहा लग पंडित जी जब सब झा रहा लेन है तो एक काम करो जो पगड़ी बांधे यहाँ खुआ लो। तब ये कहा जान गवा के जान गए मामला गड़बड़ाए गवा। तब ये कहा लग नहीं भैया नहीं भैया, अरे नहीं की तरह तुम्हें कहे हो आखिरी में पगड़ी भैया खोल है पड़ी गई। जब खोली तब खर 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 पैसा गिरे लाग, जब पैसा गिरे लाग तो कहा लग देखो कहित रहे यह बद विश्वास सुनाई रहा है गिनिस और 99 रुपया देखे 99 एक निकाल के दे दी कहा लग अब गल्ली लो 98 हमार भे। पंडित जी बेचारे गाँव बाहर निकले, वो जजमान नहीं था, वो चोर नहीं था, वो क्या था, वो स्वयं परमात्मा था कि पंडित जी का कम से कम लालच तो हट जाए, कहे सुने पत्थर चली जाई, पाप लोभ पाप का बाप न जाई, कहे सुने से पत्थर चला जाएगा लेकिन दुश्मन लालच बड़ा दुश्मन खराब है। अब यह कथा समाप्त होए, जो कोई आरती न ले प्रसाद न ले पहले ही निकल के चल दे तो वो जान जो कथा सुनना नहीं आवा रहा वो लालच मावा रहा है। कौन लालच बताए, क्योंकि सबका मालूम है कि कथा जब सुने आवत हैं जो अच्छे व्यक्ति होते हैं अच्छे भक्त होते हैं वो चप्पल मिट्टी के रे बहरे निकाल देते, और जो कोई आरती प्रसाद उन्हें ले पहले ही चला जाने लालच मावा रहा है। कौन कि जब पंडित जी कहें आरती प्रसाद लियो तो आरती प्रसाद नहीं लिया, अब अपन पुरान चप्पल निकाल दिया, अब नए मछली आई लिया, अब चल दिया, अब हम जान लो लालच में है चप्पलन कह रहे आवा रहा है। एक नहीं बीसन जोड़ चप्पल उठाए जाते हो, यह एक लालच रूपी दुश्मन है और लालच रूपी दुश्मन से दूर रहना, फिर आएगा वह अहंकार। अहंकार रूपी दुश्मन से हम आप कैसे बचें, अहंकार दूर कैसे होगा। तुलसी बाबा ने तो रामायण में लिखा है कि ऐसा कोई दुनिया में आज तक पुरुष हुआ ही नहीं जिसके शरीर में अहंकार ना हो। अस कौनौ जन्मा जग माही, अस कौनौ जन्मा जग माही, अस कौनौ जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाए पद ना मद नाही। ऐसा मद माने अहंकार, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके शरीर में अहंकार ना हो। बहुत जने रिश्तेदारी में जो है कहे भैयन आंसव भुजावे का नहीं भवा है, आंसव कुछ नहीं भा है बहन, तुमका बताए बड़ी दिक्कत है, खाली 20 टराली गन्ना जाए पावा है और वह 100 बोरिया आलू जमा कर पहन है और 100 कुंटल खाली धान बिके हैं और 2 लाख केरी भैंसी बिकानी है और भैया घर में भुजावे का नहीं है, तो खाली जले मुँह से कहते हैं और भीतर अहंकार कर हौला बर रहा है, क्या बकैत नहीं है ना।